हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचमेंट एंड यूट्यूब पे। चलिए हम वेलकम करते हैं सैनपुर इंस्टीट्यूट में। और आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स लाया हूँ जीके का, जीके एंड जीएस का ट्रिक लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रिक जो कि आपको याद हो जाएगी एक ही बार में। चलिए हम देखते हैं ट्रिक क्या है। ओके, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सैनपुर इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसकी पीडीएफ लेना हो डाउनलोड करनी हो तो टीचमेंट पे जुड़े और टीचमेंट पे क्लासेस में आकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी के साथ और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट ट्रिक्स में। फर्स्ट देखते हैं क्या किस चीज़ का ट्रिक्स है। चलिए, और ये आ गया यहाँ, और इसको हम देखते हैं ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नृत्य का ट्रिक है, ठीक है। विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य का ट्रिक है, ठीक है। विभिन्न मतलब अलग अलग राज्यों के ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, केरल की कथकली, यहाँ लिखा केरल की कथा मतलब कथकली, केरल की कथा मतलब कथकली, केरल की है कथकली। देखिए फिर देखिए, सॉरी सॉरी, पंजे में भांग डालो मतलब पंजाब का भांगड़ा, पंजे में भांग डालो मतलब पंजाब का भांगड़ा, कैसा ट्रिक है, इतना याद हो जाएगा तुरंत एक ही बार में। पंजे में भांग डालो पंजाब मतलब भांगड़ा, राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो मतलब राजस्थान, घूमर घूमर राजस्थान का है घूमर, राजा तुम घूमो राजस्थान का है तो क्या होगा घूमर घूमर। असम की बहू मतलब असम की बिहू, असम की बहू मतलब असम की बिहू, बिहू जो कि एक लोक नृत्य है, कहाँ की है असम की, असम की। अरुण का मुखोटा मतलब अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा, मुखोटा जो कि अरुणाचल प्रदेश की नृत्य है, लोक नृत्य है। अरुण का मुखोटा जो कि क्या है अरुणाचल प्रदेश की मुखोटा एक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है गुजर गई गरीबी मतलब गुजरात की है, ठीक है दोस्तों, गुज्जर जो कि गुजरात की है। तो चलिए आए बढ़ते हैं, झाड़ू में छाऊ मतलब झारखंड में छाऊ, छाऊ जो कि झारखंड की लोक नृत्य है, छाऊ जो कि झाड़ू में छाऊ जो कि झारखंड की छाऊ जो की लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। फिर यूके में गदा जो कि उत्तराखंड में गढ़वाली, यूके मतलब उत्तराखंड, यूके यूके में गडा जो कि उत्तराखंड में गढ़वाली, गढ़वाली जो कि उत्तराखंड की लोक नृत्य है, गढ़वाली जो कि उत्तराखंड की लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आए बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को कैसे हैं। देखिए, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई खाई, ये कहाँ के आंध्रा आंध्र प्रदेश का है जो कि कच्ची पूरी, और छतरी में गाड़ी जो कि छत्तीसगढ़, छतरी में गाड़ी जो कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की गाड़ी जो कि लोक नृत्य है, गाड़ी जो कि लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ की, छतरी में गाड़ी, छतरी में गाड़ी मतलब छत्तीसगढ़ की जो कि गाड़ी है वो लोक नृत्य है। अंधेर में कच्ची पूरी खाई खाई मतलब आंध्र प्रदेश का कच्ची पूरी है, आंध्र प्रदेश का कच्ची पूरी लोक नृत्य है। हिम्मत की धमाल, हिम्मत की धमाल हिमाचल प्रदेश जिसका क्या है धमाल, हिम्मत हिम्मत है तो दिखा इतना करके, तो मैं जल्दी जल्दी कर दिया, बोला कि हिम्मत में धमाल है मेरा कमाल है, तो वही क्या हुआ हिम्मत में धमाल, तो इस कहाँ का है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य धमाल धमाल। गोवा की मंडी मतलब गोवा की क्या होगी लोक नृत्य मंडी, गोवा की मंडी, ठीक है दोस्तों। इसी साथ आए बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक वाले, पहले यही ट्रिक पहले खत्म कर दूं उसके बाद ना देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक भाई। तो चलिए हम इस पेज पे आ गए और देखते हैं बंगले की काठी मतलब क्या है, बंगले की काठी मतलब बंगाल, याद रखिएगा बंगले की काठी, बंगले की काठी तो बांग्लादेश तो ही नहीं सकता, हम बांग्लादेश का तो बात ही नहीं कर सकते, तो भारत में बहुत से किसका नाम तो बंगाल एक राज्य है, तो याद रहे पश्चिम बंगाल जिसका क्या है काठी, लोक नृत्य क्या है काठी, लोक नृत्य क्या है काठी। मेघलाओ, मेघलाओ मतलब मेघालय, मेघलाओ मेघलाओ मेघालय जो कि सबसे ज्यादा बारिश होता है मेघालय में, मानसीराम में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ क्या होगा लवनी, लवनी लवनी जो कि वहाँ की लोक नृत्य है, मेघलाओ मतलब मेघालय की लवनी है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए
नाग की चोंच मतलब नागालैंड, नागालैंड है नाग की चोंच, नाग नाग मतलब नागालैंड, नागालैंड की चोंच, तो नागालैंड की लोक नृत्य क्या हो गई, चोंच, नागालैंड की लोक नृत्य क्या हो गई, चोंच, याद रखिएगा एकदम, नाग की चोंच मतलब नागालैंड की चोंच, तो नागालैंड की क्या हो गया, नागालैंड की लोक नृत्य चोंच हो गया। उड़ी उड़ी बाबा मतलब उड़ीसा, उड़ीसा उड़ी उड़ी बाबा जो कि उड़ीसा की लोक नृत्य होगी ओडिसी, उड़ीसा की लोक नृत्य होगी ओडिसी, या आप सिंपल याद कर सकते हो उड़ीसा की लोक नृत्य क्या होगी, ओडिसी ओडिसी ओडिसी, ठीक है दोस्तों। फिर कान में करो यज्ञ ज्ञान, क्या हो गया, कान में करो यज्ञ ज्ञान मतलब कान मतलब कर्नाटका, कर्नाटका में यक्षगान करो, यक्षगान, यक्षगान जो कि लोक नृत्य कहाँ की, कर्नाटक की, यक्षगान जो कि लोक नृत्य कहाँ की है, कर्नाटक की, एकदम सिंपल में आप लोग याद कर सकते हैं। और क्लास में आप लोग याद कीजिए, एक बार दो बार तीसरी का बार रिविजन कीजिए और तुरंत आपको याद हो जाएगा। आप पीडीएफ के लिए हमसे 30 मिनट पे जुड़िए। ओके चलते हैं, जम्मूरा जो कि जम्मू कश्मीर का है, राउफ, जम्मूरा जो कि जम्मू कश्मीर का है, राउफ, राउफ क्या है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, राउफ जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तुम मिले भारत मतलब तमिलनाडु, तुम मिले भारत मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ का, तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। तुम मिले भारत मतलब तुम मतलब तमिलनाडु और भरत मतलब भरतनाट्यम, भरत मतलब भरतनाट्यम जो कहाँ की है लोक नृत्य, भरतनाट्यम लोक नृत्य जो कि तमिलनाडु की है, ठीक है। उत्तर की रास मतलब रासलीला, उत्तर की रास मतलब रासलीला, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य हुई रासलीला, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य हुई रासलीला। तुम क्या कर रहा है, उत्तर की रास मतलब उत्तर प्रदेश की रासलीला, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश और की तो हो गया ऐसे ही, और रास का हो गया रासलीला, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास को, ठीक है, और आप लोगों को मजा आता हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट में अपना जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए और अगली ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। अगली ट्रिक क्या है, जो कि प्रमुख सदस्यों का ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक क्या है, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है, मतलब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है यहाँ तक। 1 मिनट, राधा, राधा हो गई ये, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है, ठीक है दोस्तों। इतना कर लिए, राधा के, राधा मतलब राधा कृष्ण, के मतलब के एम मुंशी, के मतलब के एम मुंशी, और श्याम मतलब श्याम प्रसाद मुखर्जी, आ मतलब अंबेडकर, ज मतलब जवाहरलाल नेहरू, गो मतलब गोविंद वल्लभ पटेल, वल्लभ पंत, के मतलब के टी शाह, और सरदार मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए हम और आगे हम बताते हैं आप लोगों को आगे, जो कि हम पांच अस्थाई सदस्यों का नाम पता करेंगे, जो कि ये भी एक ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पांच अस्थाई सदस्यों के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। पांच अस्थाई सदस्यों के ट्रिक, कार में एफ वी, कार में एफ वी मतलब सी से चाइना, ए से क्या हो गया, एक मिनट, आर से हो गया रसिया, ए से हो गया अमेरिका, एफ से होगा फ्रांस, बी से होगा बी से कौन हो गया, चलिए देख लेते हैं, ध्यान पे नहीं आ रहा है अभी, एक मिनट देख लेते हैं बी से क्या होगा। आइए, ओहो बी से ब्रिटिश मतलब यूके का, वही तो बोले यूके का ब्रिटिश लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना, कार में एफ बी, कार में एफ बी, सी से चाइना हो गया आपको, ए से अमेरिका हो गया, आर से रसिया हो गया, एफ से फ्रांस हो गया, ठीक है दोस्तों, और बी से ब्रिटिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नहीं 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 सॉरी सॉरी, एक और ले लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको, मणिपुर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर देते हैं, उसके बाद नहीं, यहीं तक छोड़ते हैं, और उसके बाद अगले सेशन में मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो डलेगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए हम इसी के साथ क्लास को इन करते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए
टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास को इन करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।